हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी मैं फिलहाल रेडी होके बैठा हूँ। मम्मी और मैं फिलहाल चाय पी रहे हैं और दीदी मुझे चाय डाल के दे रही है। तो आ गई अपनी चाय। भाई नीचे से जल रही। तो गाइस, आज उठते उठते लेट हो गया। एग्जैक्टली टाइम 7:30 हो चुका है। अभी तक घर पर ही बैठा हूँ। एग्जैक्टली अभी तक मुझे शॉप चले जाना चाहिए था, लेकिन दीदी कभी पीछे दीदी है ना, ब्लैक कॉफ़ी पी थी। अभी से स्टार्ट किया है, पहले नहीं पीती थी, अभी से स्टार्ट किया है। तो फिलहाल चाय पीते हैं, फिर दुकान के लिए निकलते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुका है। पापा फिलहाल अभी तक सो रहे हैं, बाद में उठेंगे पापा। तो फिलहाल चाय भी पी चुके हैं हम। फिलहाल मम्मी तो देखिए अभी तक चाय पी रहे हैं और दीदी का कॉफ़ी तो अभी तक खा पाने। दीदी और मम्मी है ना, थोड़ी बहुत क्वान्टिटी में पीते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत पीता हूँ। बस मैं बस शॉप के लिए पीता हूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को चाहिए बोलते चाहिए, समवट पी लेता हूँ। तो अभी चलते हैं दुकान पे, क्योंकि मैं तो रेडी हो चुका और लेट भी बहुत हो गया है। तो ये तो गाइस, फिलहाल तो मैं अभी दुकान पहुँच चुका था और मैंने मास्क निकाल दिया, क्योंकि मैं सामान रखता हूँ तो मुझे बहुत ही स्वेट आता है। क्योंकि फिर मास्क मैंने ही लाया फिलहाल, और मैं पहन के पूरा किया तो स्वेट आने के बाद वो फिर पहनने के लायक नहीं रहता है। तो फिलहाल तो मैंने देखिए सामान बाहर रखे, तो पहले ना नीचे से झाड़ू निकाल लेता हूँ। झाड़ू तो निकालिए, थोड़ा बहुत उधर तले की गया, उसको कॉर्नर में रख देंगे, उसके बाद सामान रखना स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, अभी जाके पूरा साफ़ सफाई ख़त्म हो चुका है, पूरा साफ़ सफाई कर लिया। बस ये पापा आने का इंतज़ार है, तो देखते हैं पापा कितने देर में आते हैं। तब तक है ना, पहले वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, जो पिछले वीडियो है ना अब तो अपलोड नहीं किए, तो पहले एडिटिंग कर लेते हैं, उसको अपलोड कर दूँगा फटाफट। तो आपको अप्रॉक्स है ना 10 o'clock तक आ जाएगी। 8:40 हो रहा है अभी, 1.5 hour आराम से लग जाएंगे और 10 o'clock तो आपको वीडियो आ जाएगी, तो देखना मत भूलना। गाइस, लास्ट व्लॉग तो एडिटिंग हो चुकी है, बस अभी सेविंग हो रहा है, सेविंग होते ही वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो फिलहाल तो मैं दुकान में ही हूँ, अभी तक पापा तो आए हैं नहीं, तो अभी भी वेटिंग ही कर रहे पापा का। तो मेरे को बहुत ही प्यास लगी थी, तो मैं ड्रम के पास आया हूँ पानी के लिए। कल ही पानी आया था तो कल ही भरा था, लेकिन पानी आना इसमें ठंडा बहुत रहता है। अभी ठंडी की सीजन रहो या गर्मी की सीजन रहो, इसके अंदर ठंडा रहता है, पता नहीं क्यों। बाकी अंदर तो थर्मोकल रहता है, ठंडा ही रहता है, और ज़मीन में से आता है तो तब पानी ठंडा ही रहता है, तो इसमें डालते हो ठंडा ही रहता है पूरा दिन। तो ये एक बहुत बेनिफिट है, गर्मी में भी है ना इसको इधर ही रखते हैं ताकि ठंडा रहे। तो फिलहाल लास्ट गर्मी है ना, बहुत लास्ट गर्मी लॉकडाउन में बिताया था, तो मैं आपको बता नहीं सकता था कितना फनी मोमेंट था दुकान पे। एक दिन ऐसा आया, बोल तो ऑफ डे था ना, 12 o'clock था, सुबह 9 o'clock से 12 o'clock तक मैं ना बेटा तक नहीं, इतने कस्टमर्स आ रहे रहे। 5 seconds का गैप नहीं था, 5 seconds का एक एक कस्टमर, 5 seconds का भी गैप नहीं था, बहुत ही रश था उस दिन तो। लेकिन तब तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता नहीं था, अभी इसी साल और इसी महीने से मैंने स्टार्ट किया। इस बीच में कस्टमर आ गए थे, तो फिलहाल है ना पापा आ चुके हैं, जस्ट अभी अभी आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए पापा फिलहाल अभी अभी आए, तो पता नहीं मम्मी ने क्या टिफिन में भेजा होगा, तो आते ही अपन चेक करते हैं और खाते हैं। मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मैं बस सुबह चाय पी के आता हूँ। तो फिलहाल वेटिंग करते हैं पापा का, तो पापा उतर रहे हैं, मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। पापा उतर लेते हैं, लेकिन सामान लाने में तो मुझे हेल्प करनी पड़ती है ना। तभी पापा हैं, तभी मेरे ना कस्टमर आ गए थे, इसलिए मैं तो सामान लिया नहीं, कहाँ से तभी ले लेते हैं, सिलेंडर भी है सर हाथ में। अभी आ चुका है हमारे टिफिन, तो देखते हैं अंदर है क्या। मुझे लगता है अंदर तो पोया है, तो गाइस करेक्टली अंदर है पोहा। तो पहले ना नाश्ता कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे हमें क्या करना है। तो गाइस, सुबह से ना एक ही काम चल रहा है अपना, था बस ये कल रात से इसको लेके बैठा हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये थोड़ा करके कंप्लीट कर रहा हूँ, पूरा एक साथ नहीं कर रहा। सबको सर्दी लग गई है घर पे, मेरे को, पापा को, मम्मी को, दीदी को, अब तक नहीं लगी, ये एक बेटर। तो गाइस, मैं तो अपना काम कर रहा था, तभी है ना सामान आ गए बहुत सारे, तो उसको जमाने के लिए अभी मैं निकला हूँ। तो फिलहाल तो देखिए ये सारे सामान इसके अंदर मुझे डालना है। पहले तो इसका और 4 bags आए थे, 5 bags आए थे टोटल, तो 4 bags है ना मैं पीछे लगवाया, फिकर आ गया आपको तो पसीना आ रहा है यार, पैर में छुप गया शक, इतना लगा नहीं, जस्ट छुपा है। तो फिलहाल अभी इसके अंदर इसको है ना इसके अंदर डालते हैं, और उधर एक किलो का बैग भी है, इसको इधर रखना है, इधर खाली करना है, उसके बाद है ना पीछे हमें अट्टा भी जमाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल अभी हम पीछे चल रहे हैं। तो फिलहाल तो देखिए ये जो एक दो तीन चार बैग, टोटल 5 bags है, नीचे उधर और एक बैग है, एक बैग तो पुराना ही था, ये 4 bags अब भी आए सर, तो इसको इधर जमा दिए। ये देखिए अट्टे का ढेर
इस अट्टे का ढेर को वापस इसके ऊपर जमाना पड़ेगा। तो पहले है ना बाहर ही काम कर देते हैं, बाहर काम करने के बाद इधर आके इधर काम कर देंगे। बाहर फिर कस्टमर आते रहते हैं तो चलने में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए पहले बाहर कर देंगे उसके बाद अंदर आके कर दो। मेरे को तो बहुत इससे डर है कि अभी अभी मैंने पानी पिया और हार्डवर्क करते समय पानी पिया तो आपको मालूम है क्या होता है, पसीने आते ही रहता है। इसमें तो सामान जमाते रह रहे थे और बीच में कस्टम्स आ रहे रहते, तो फिलहाल अकेले थोड़े बहुत है, इसको भी जमाना है और बहुत ही काम है इसको। अभी मैंने ना पापा है ना अट्टे वाले को कॉल कर रहे हैं क्योंकि अट्टा मैंने ना पूरा बिखेर दिया, तो उधर मैं आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो उसको क्या है समझ रहे हो, अगर अट्टा लेने वाला आया तो उसको बेच देंगे बल्कि। तो अभी पापा उसको ही कॉल कर रहे हैं, तो देखते अट्टा वाला आए तो काम ईजी हो जाएगा मेरा काम। देखिए गाइस फिलहाल ना पापा अट्टे वाले को कॉल कर रहे हैं, तो गाइस फिलहाल अभी अट्टे वाले को कॉल कर रहे हैं, शायद अभी आ जाएंगे। पापा रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, अभी पता नहीं आने पर ही पता चलेगा। जब तक मैं ना ये सामान को जमा लेता हूँ और जो भी इधर उधर जो सामान पड़ा है कस्टमर की वजह से उनको ना फटाफट सही कर लेंगे। अभी जाकर पूरा सामान है ना समेट दिया, तो फिलहाल है ना मशीन हम रिपेयरिंग के लिए दिया था, हमारा जो वॉशिंग मशीन था ना ये देखिए उसका मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, अभी रिपेयर हो चुका है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं ना ब्रेड पैकेट भी लेके आया, तो देखते हैं टेस्ट होता भी नहीं है। तो फिलहाल चेक करते हैं गाइस इसमें अभी काम बन रहा है नहीं बन रहा है। तो गाइस अभी हमारा ब्रेड रेडी हो चुका है, बहुत ही गर्म है, फिलहाल निकाल के इधर रखते हैं और डालते हैं। तो अच्छा ही है, मैंने ना बेकरी से लेके आया ब्रेड, बहुत अच्छा है। चलो काम कर रहा है। तो गाइस ब्रेड तो बहुत ही अच्छा है, फिलहाल तो खा रहा हूँ बिना घी के खा रहा हूँ। तो है बार ना घर पे ना हम इसको घी या फिर बटर लगा के उसके बाद टोस्ट करके खाते हैं, तो उसमें टेस्ट और अच्छा रहता है घी से। अब बिना खा रहा हो तो भी अच्छा ही है, ऐसा कुछ ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा टेस्ट है। तो गाइस मैंने ध्यान दिया नहीं, उस चक्कर में दोनों ब्रेड जल गए। एक्चुअल में क्या कस्टमर आ गए थे तो मैं चले गया था, तो उस चक्कर में दोनों ब्रेड जल गए। ये देखिए ये वाला ब्रेड और ये वाला ब्रेड, दोनों ब्रेड जल गया, दोनों ब्रेड जल गए अभी। तो बाद में इसको खा लेंगे अभी। तो गाइस आज है ना मम्मी और दीदी भी दुकान पे आए थे, तो फिलहाल तो है ना जो अट्टा थे ना वो पूरा सामान बेच दिया। तो देखिए सारे अट्टे जो बाहर आ गए, कांटे पे रख भी दिया और वेट भी कर लिया, कुछ 40 या 50 kg कुछ आए तो पापा वो हिसाब कर रहे जो भी करना है। मैं तो फिलहाल अभी नीचे जा रहा हूँ कि मुझे बहुत ही पसीना हो गया और हाथ भी धोने का, हाथ पूरे सीमेंट में हो गया, ये देखो वो दिख रहा होगा वाइट वाइट। तो फिलहाल हाथ भी धो लेंगे और बहुत ही प्यास लग रही है मेरे को, दुकान पे जाके पहले पानी पियेंगे, पहले हैंड वॉश करता हूँ। फिलहाल है ना दुकान पे रिलेटिव्स आए सर, फिलहाल तो देखिए इधर जो रिलेटिव बैठे ये लोग बातें करते हैं, हम चलते हैं फटाफट पीछे। तो फिलहाल तो हम चलते हैं पीछे गाइस, जो मेरा इधर क्या काम है, रिलेटिव्स है ना ज़्यादा दूर ही रहता हूँ, रिलेटिव्स के नज़दीक मैं ज़्यादातर जाता नहीं हूँ, बस जाता हूँ तो अपने मामा के यहाँ पे उधर ही जाता हूँ ज़्यादातर। बाकी बाहर जब इधर भी जाए ना मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे है ना ज़्यादातर रिलेटिव्स के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ही कम जाता हूँ गाइस में, जस्ट लाइक कोई फंक्शन रहे तो ही जाता हूँ, बाकी ऐसे ही मिलने के लिए तो ओनली मामा के यहाँ जाता हूँ, बाकी इधर भी नहीं जाता। तो गाइस आज के लिए हमारे पास है पुरानी एफजेड, एक्चुअली ये मेरी एफजेड नहीं है, मेरे भाई की एफजेड है। तो मेरे भाई के अंकल जो है वो अंकल है ना जा रहे थे, तो उनको बीच में बैटरी प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी वापस आनी होने ख़राब हो गई, तो उन्होंने है ना इधर उनकी गाड़ी रखे हमारी शाइन लेके हो गए, तो हमारी शाइन तो कल सुबह मिलेगी। तो मैं जस्ट ट्राई करता हूँ कि भाई अगर मुझसे ऑन हो जाएगी तो घर पे लेके जाएंगे, अच्छा ही कल सुबह वापस आराम से आ भी तो सकते हैं, तो इसलिए ना ट्राई करता हूँ अगर चालू हो जाए तो। सभी तो सब लोग टॉकअप कर रहे हैं और मैं तो बहुत ही थक गया हूँ, तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज गए बस, कोई और क्या करेंगे, सामान रखेंगे और फिर घर पे जाएंगे। आज तो सब लोग कार में ही जाएंगे, फिर मैंने बताया ना मेरी गाड़ी कोई दूसरे लगे लगेगा, उनकी गाड़ी इधर छोटी है उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो गाइस सभी घर पे जाएंगे, यार बहुत ही थकान लग रहा है मुझे, तो नींद आ रही है। ऐसे तो सुबह लेट ही अपलोड करता हूँ, एक्चुअली 10 o'clock को रोज़ अभी अपलोड करूँगा, मेरे मैं रोज़ वीडियोज़ 10 o'clock को आएंगे, तो वो आप ध्यान रख लेना 10 o'clock 100% आ जाएगा। हाँ भाई 2 मिनट्स इधर उधर हो सकता है, 10 o'clock 100% मेरी वीडियो आ जाएगी। तो अभी तो फिलहाल सामान अंदर रखते हैं। आज है ना बहुत दिनों के बाद मैं कार में बैठा हूँ, जब गांव को गया था ना तो 1.5 months हो गया, 1.5 months पहले मैं बैठा था, तो दिनों के बाद बैठा, लेकिन देखिए पीछे रोड पड़ा है तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा बैठा हूँ। तो फिलहाल तो दौड़ के जाते हैं कि अभी अभी शटर बंद के लिए, इससे बहुत बैठा रहा मैं तो
घर पे जाते हैं, मुझे तो बहुत ही नींद आ रही है, आँखें पूरे भारी भारी हो गया। फिलहाल तो थोड़ा भजन चलाते और चलते हैं। अभी घर पे आ गए, ये देखिए ये दूसरा डॉग आ गया, और आज ना आज पता नहीं इसको क्या हुआ, ये आकर के मेरे बार बार मेरा पैर चाट रहा है, पता नहीं क्या हुआ। तो ये भी अच्छा ही है, लेकिन ये ना थोड़ा बहुत डरता है हमसे, पता नहीं क्यों डरता है। ये जस्ट लाइक मैं भी आपको दिखाता हूँ, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अजा 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 ये देखिए ये आया, इतना उतावला करता है ये सबसे उतावला है, ये जो डॉग है ना सबसे एकदम फास्ट फास्ट चलता है, ऐसा दौड़ के जाता है, सच में ऐसा दौड़ के जाता है, फिर वो कभी कभी ना हमारे को गिरा भी देता है, गिरे नहीं है लेकिन ऐसा गिरते गिरते बच जाते हैं। सबसे प्यारा तो यही है, गिरा तो नहीं, आराम से जाता है, इनके लिए पानी भरा, पानी गर्मी दे जा रहा है। तो फिलहाल देखिए दोनों प्लेट रहे, खाना है, ये देखो पापा का पेट चाट रहे, ये चाटेगा नहीं चटना। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और ड्रेस अप चेंज करते हैं, तो मुझे बहुत ही स्वेट आ रहा है, ड्रेस चेंज करके फटाफट ना डिनर करते हैं, और बहुत ही लेट हो गया, इनको रोटी दे देंगे फिलहाल अभी, उसके बाद इनको बाबा बोल देंगे, गुड नाइट बोल देंगे। तो फिलहाल अभी फ्रेश हो जाता हूँ, अभी हम सबका डिनर हो चुका है, तो मैं तो फिलहाल इधर आके थोड़ी देर बैठ गया, मैं सोचा भाई बहुत ही नींद आ रही है, तो फिलहाल है ना मम्मी किचन में थोड़ा काम कर रही है जब तक मैं इधर आके बैठ गया, तो पापा फिलहाल और दीदी अपने पास फ़ोन में गपशप गपशप किससे मार रही है मालूम है ना गाइस। तो फिलहाल गपशप में गेम, तो फिलहाल बस सोने की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी पापा का तो होगी, मेरा बाहर है बेड, तो फिलहाल बाहर चलेंगे, मम्मी जैसे आती है तब बाहर चलेंगे। फिलहाल तो पापा को तो सर्दी लगी सर, मेरे को भी लगी सर, बट मैं बाप का भी लेता हूँ, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है ना तभी लेता हूँ, बट ख़त्म नहीं हो रहा खा गई, आते रह तब लेता हूँ। तो पापा फिलहाल ले रहे गर्म पानी का जो बाप लेते वो ले लेंगे पापा, और मैं बस सो जाऊँगा अभी बाहर जाके, फिलहाल वीडियो एडिटिंग कल सुबह कर लेंगे। गाइस आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग, इफ़ यू एंजॉयड प्लीज हिट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। सो गाइस पापा फिलहाल बाप ले रहे हैं, पापा बाप लेते ही हम भी सोते, आज पापा इधर सोएंगे और मैं उधर सोऊंगा पापा की जगह पे, कि पापा को है ना पंखा नहीं चाहिए, तो इधर तो पंखा चल रहा है, तो फिलहाल पापा आज इधर सोने की सोच रहे, तो फिलहाल पापा सोते ही हम सो जाते हैं।